Hello my lovely students this is Mansi welcome back to the channel now we're going to start with the exercises but पहले हम चैप्टर के बीच के जो इन बिटवीन क्वेश्चंस हैं उनको लेंगे सो so, सबसे पहले जो क्वेश्चन यहाँ पे मैंने इसको वन की तरह लिखा है बिकॉज पेज नंबर मेंशन नहीं कर रही मैं क्योंकि हो सकता है जिन्होंने लेटेस्ट बुक्स परचेज करी है तो पेज नंबर आगे पीछे होगा उसमें इसलिए ये आपने खुद समझना है क्वेश्चन वन लिखे मतलब पूरे चैप्टर में सबसे पहले जहाँ क्वेश्चन आए हैं ये हुआ देन सेकंड मतलब उसके बाद वाले देन थर्ड फोर्थ फिफ्थ एंड सो ऑन ठीक है तो हर बार ये इसी तरह से हर चैप्टर का चलेगा नाउ द फर्स्ट क्वेश्चन हियर इज इन अ रिएक्शन एक रिएक्शन हुआ है 5.3 ग्राम ऑफ सोडियम कार्बोनेट रिएक्टेड विथ 6 ग्राम ऑफ एथनोइक एसिड द प्रोडक्ट्स वर 2.2 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड 0.9 ग्राम ऑफ वाटर एंड 9.2 ग्राम ऑफ सोडियम इथोनेट लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास सो हमारा ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास में क्या था सिंपल था कि मास को ना तो क्रिएट कर सकते ना डिस्ट्रॉय कर सकते केमिकल रिएक्शन में मीन्स सिंपल वर्ड्स में जो हमारे रिएक्टेंट जो चीजें मिल रही है उनका टोटल मास इक्वल होगा जो हमें प्रोडक्ट मिला है उनके टोटल मास के ठीक है सो so यहाँ पे हमें यही प्रूव करने की जो जो चीजें दे रखी थी उसके हिसाब से देखो यहाँ पे दे रखा था सोडियम कार्बोनेट मिला है एथेनोइक एसिड के साथ और हमें मिला है सोडियम एथोनॉइट प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वॉटर सबकी पे यहाँ पे क्वांटिटीज भी दे रखे मतलब मास भी दे रखा है सोडियम कार्बोनेट है फाइव पॉइंट थ्री ग्राम्स तो ये हो गया जी फाइव पॉइंट थ्री ग्राम्स प्लस एथनॉइक एसिड था सिक्स ग्राम ठीक है सो तो अगर मैं यहाँ पे इस वेट की बात करूं तो ये 5.3 ग्राम है और ये 6 ग्राम है एंड हमें प्रोडक्ट मिला है 2.2 ग्राम सीओ डी सीओ टू टू पॉइंट टू ग्राम्स मिला है हमें कार्बन डाइऑक्साइड देन 0.9 ग्राम ग्राम्स मिला है हमें वाटर एंड 8.2 पॉइंट टू ग्राम्स ऑफ सोडियम एथोनो ठीक है जी अब यहाँ पे चेक कर लो ये हो गई हमारी लेफ्ट हैंड साइड ये हो गई हमारी राइट हैंड साइड अब यहाँ पे ऐड करो जरा लेफ्ट हैंड साइड में है इसको कर लो सिक्स एट नाइन नाइन इलेवन ये आ गया मेरा इलेवन पॉइंट थ्री सिर्फ ऐड किया मैंने इसी तरह से यहाँ पे अगर हम ऐड करें तो एट पॉइंट टू टू पॉइंट टू एंड जीरो पॉइंट नाइन है सो so ये हो जाएगा नाइन टेन इलेवन टर्टीन सो ये हो गया जी थर्टीन एट नाइन टेन इलेवन आ गया इलेवन पॉइंट थ्री ग्राम तो यहाँ पे हम क्लियरली देख सकते हैं हमारी जो लेफ्ट हैंड साइड थी और जो हमारी राइट हैंड साइड थी वो इक्वल आई है सो सिंस लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू दी राइट हैंड साइड दैट मीन्स जो हमारे रिएक्टेंट है उसका मास इक्वल है प्रोडक्ट की मास से काफी लंबा खींच दिया मैंने सिंपल सही आपको प्रूव करना था कि दोनों का सम यहाँ पे इक्वल है नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन कंबाइन इन द रेशियो ऑफ वन एस टू एट है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन कंबाइन होते हैं के रेशियो में बाय मास मास उनका जो है वो वन एस टू एट होगा प्रोपोर्शन वैसे कितना होता है हाइड्रोजन के दो होते हैं एटम्स और ऑक्सीजन का एक होता है एच टू ठीक है ना लेकिन मास के हिसाब से वन एस टू एट के रेशियो में वॉट मास ऑफ ऑक्सीजन गैस वुड बी रिक्वायर्ड टू रिएक्ट कंप्लीटली विद विद्री ग्राम ऑफ हाइड्रोजन गैस तो अभी यहां पे हमें बताया है वन एस टू एट है ठीक है ना तो हमें पता है कि वन ग्राम ऑफ हाइड्रोजन सिंपल मैं यही इसी वाले को लिख के दिखा रही हूं एक ग्राम हाइड्रोजन के लिए एट ग्राम ऑफ ऑक्सीजन रिक्वायर्ड है समझ में आई ये चीज वन एस टू एट का क्या मतलब है कि अगर वन ग्राम हाइड्रोजन है तो एट ग्राम ऑक्सीजन होना चाहिए क्वेश्चन में हमसे पूछा है अगर थ्री ग्राम ऑफ हाइड्रोजन है तो कितना ऑक्सीजन रिक्वायर्ड होगा सिंपल सी चीज है अगर एक ग्राम के लिए एट चाहिए तो थ्री एट इन थ्री कर देंगे सिंपल है ना सो so, ये हो जाएगा एट मल्टीप्लाइड बाई थ्री एट थ्री ट्वेंटी फोर सो दे थ्री ग्राम के लिए ट्वेंटी फोर ग्राम ऑफ ऑक्सीजन लगेगी ठीक है क्वेश्चन नंबर टू था ये नेक्स्ट पे आ जाते हैं

उनका जो रिलेटिव नंबर है और जो काइंड है वो हमेशा कॉन्स्टेंट रहेगा यही हमने पढ़ा था कि डेफिनेट प्रोपोर्शन में कि फिक्स प्रोपोर्शन में होगा जैसे अगर एक हाइड्रोजन दो हाइड्रोजन के आइटम है तो एक ऑक्सीजन का लगेगा तभी वो एच टू वो फॉर्म करेगा सो तो ये इसी पोस्ट से आया ठीक है आगे अब ये नेक्स्ट वाले से फर्स्ट आपके जिस भी पेज पे क्वेश्चंस होंगे अब आगे हम नेक्स्ट वाले पे जो हमारे क्वेश्चंस होंगे डिफाइन दी एटॉमिक मास यूनिट एटॉमिक मास यूनिट वैसे हमें पता है क्या होता है एएमयू या सिंपल जो हम लिखते हैं विच इज यू लिखते हैं हम so सो इसको अगर डिफाइन करना डिफाइन कैसे करेंगे एक तो हम यहाँ पर मैं आपको याद दिला दू जो हमने पढ़ा था एटॉमिक मास के टॉपिक में हमने पढ़ा था कि जितने भी हमारे एटम्स थे उनका जो मास था वो कैलकुलेट करना काफी डिफिकल्ट हो रहा था तो उन्होंने एक कार्बन को ले लिया था कि कार्बन के वन ट्वेल्थ को हम बोलेंगे अगर आपको ये चीज समझनी है तो प्लीज गो एंड वॉच द वीडियो जिसमें हमने पूरा एटॉमिक मास का टॉपिक किया है इंपॉर्टेंट है क्योंकि वो समझना ठीक है जी तो वहां जाकर आप समझ सकते हो यहाँ पे हम डेफिनेशन करेंगे कार्बन ट्वेल्व exactly का एक एटम ले लो उसके ट्वेल्व पार्ट कर लो तो जो एक पार्ट आपके पास आएगा मीन्स वन अपॉइंट ट्वेल्व ये हमारा होता है एक AM. ठीक है पूरा मैं रीड कर रही थी द रिलेटिव एटॉमिक कार्बन ने देखा था एक को आप वो मान लो क्या कहते हैं हम उसको के बेस मान लो या इसके अकॉर्डिंग हम बाकी सारे निकालेंगे ठीक है अगेन अगर आपको डेफिनेशन अच्छे से समझनी है बुक लैंग्वेज लट्टे नहीं मारने तो गो एंड वॉच द वीडियो ऑफ एटॉमिक मास ठीक है आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है को से क्यों नहीं देख सकते? पहली चीज बहुत ही छोटे होते हैं और दूसरी चीज हमने पढ़ी है ऐसे हवा में खुले इंडिपेंडेंटली नहीं हो गए होते द साइज ऑफ एन एटम इज सो स्मॉल दैट इट eye. Also, the द एटम ऑफ एन एलिमेंट not एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली नेक्स्ट है हमारे पास थर्ड राइट डाउन दी फॉर्मूले और सबके हमने फॉर्मुले पढ़े हुए करके फॉर्मुले बनाते हैं सबसे पहला है हमारे पास सोडियम ऑक्साइड सोडियम का हमने पढ़ा है एनए होता है सिंबल ऑक्साइड का ओ होता है एन ए का वैलेंसी क्या है वन ऑक्साइड की वैलेंसी क्या है टू सो so ये हो गया जी क्रॉस कर देंगे इसको ये हमारे पास आ गया एन ए टू ओ वन वन लिखने की जरूरत नहीं है तो सिंपल हम लिख सकते हैं एन ए टू ओके okay जी है हमारे पास एल्यूमिनियम क्लोराइड सो एल्यूमिनियम एल क्लोराइड सी एल एलुमियम की प्रैक्टिस करोगे अपने आप याद हो जाएगी नहीं तो स्टार्टिंग में थोड़े थोड़े जो इंपॉर्टेंट बार बार दिख रहे हैं रिपीट हो रहे हैं वो तो अच्छे से लर्न कर ही लो अब इसको करते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई तो ए एल के साथ आ गया वन सी एल के साथ आ गया थ्री वन लिखने की जरूरत नहीं है तो सिंपल ए एल तो ये फॉर्मूला हो गए हमारे ठीक है फर्स्ट पार्ट हो गया सेकेंड पार्ट हो गया थर्ड पार्ट पे आते हैं नेक्स्ट है सोडियम सल्फाइड सो अगेन थर्ड है सोडियम so फिर से आ गया सो अगेन एन ए लिखेंगे सलफाइड के लिए एस लिखेंगे एन ए की वैलेंसी हमारी होती है वन इसकी होती है टू क्रॉस किया ये हो जाएगा हमारा एन ए टू एस वन लिखोगे तो दोबारा ऐसे लिखना ही पड़ेगा एन ए टू एस सिंपल ठीक है वन लिखने की जरूरत नहीं है फोर्थ है हमारा मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड मैग्नीशियम होता है एम जी हाइड्रोक्साइड होता है ओ OH. एच लिखेंगे मैग्नीशियम की होती है थ्री ओ एच की होती है वन क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो एम जी के साथ वन आ जाएगा वन लिखने की जरूरत नहीं है ओ एच के साथ थ्री आएगा रिमेंबर ओ एच को ब्रैकेट में करना पड़ेगा इस पूरे के साथ थ्री है तो ये हो गया हमारा ियम okay, आ so, गया एलुमिनियम आगे है हमारे पास SO4 अगर अभी टू थ्री नहीं भी देखोगे तो चलेगा SO4 किसके लिए होता है सल्फेट के लिए तो ये हो गया हमारा एल्यूमिनियम सल्फेट ठीक है जी फर्स्ट ये मैंने मैं आपको बता दूं ये जहां पे भी फोर आएगा ना यहाँ से देखो इसको बोलते हैं एट तो एट का हाफ फोर मतलब ये मेरे तरीके लर्न करने के लिए अगर आप चाहते हो तो मैं ऐसी कोई वीडियो बना सकती तो हूं जिससे लर्न करना ईजी हो जाए सो यहाँ पे खैर एल्यूमिनियम सल्फेट हो गया सेकेंड है कैल्शियम सी ए कैल्शियम के लिए होता है सो ये लिख दिया हमने कैल्शियम एंड सी एल क्लोराइड के लिए सो ये हो गया क्लोराइड ओके okay जी नेक्स्ट है हमारे पास K2, K के टू के किसके लिए होता है पोटेशियम के लिए सो so ये हो गया पोटेशियम लाइक अगेन सो वी हैव पोटेशियम अभी मैंने बताया किसके लिए होता है सल्फेट के लिए सो so ये हो गया पोटेशियम सल्फेट इसके और भी पार्ट्स थे आई थिंक नेक्स्ट पेज पे हैं सो लेट्स गेट टू दी नेक्स्ट पेज अगेन के आ गया हमारे पास लेकिन यहाँ पे एनओ थ्री है K किस के किसके लिए होता है पोटेशियम के लिए so we'll write potassium and NO3 stands for nitrate ठीक है अगेन एक ही टेबल है जिसमें वैलेंसीज भी है सबके सिंपल्स भी हैं वो अच्छे से लर्न कर लेना आगे है सी ए सीओ थ्री सी ए होता है हमारा कैल्शियम के लिए एंड हमारा सीओ थ्री होता है कार्बोनेट के लिए सो ये हो गया कैल्शियम कार्बोनेट ठीक है ये था हमारा सेकंड क्वेश्चन नेक्स्ट है लास्ट हमारे पास आई थिंक थर्ड वाले का लास्ट ये नहीं और भी अभी चलो थर्ड क्वेश्चन इज मेन सेमिकल फॉर्मूला केमिकल फॉर्मूला क्या होता है केमिकल इज सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ केमिकल कंपाउंड कोई भी केमिकल कंपाउंड है तो उसको सिंबल्स में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे जैसे अभी हमने देखा ये सभी हमारे केमिकल फॉर्मूलाज थे यहाँ पे हमने केमिकल फॉर्मूला बनाए हैं तो किसी भी कंपाउंड को हमें यहाँ पे अगर सिंबल्स की तरह दिखाना है तो वो केमिकल फॉर्मूला होता है फॉर एग्जांपल द केमिकल फॉर्मूला फॉर हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज एच ओके जी नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ हाउ मेनी एटम्स आर प्रेजेंट इन हाउ मेनी एटम्स पूछा कितने एटम्स होंगे फर्स्ट है एच टू एस मॉलिक्यूल में अब H टू S यहाँ पे आपको नेम नहीं देना कि हाइड्रोजन के की कितने हैं सल्फर के कितने सिंपल लिखना कितने होंगे तो हाइड्रोजन के दो हैं सल्फर का कुछ नहीं लिखा मतलब वन है दैट मीन्स अ टोटल ऑफ थ्री एटम्स ठीक है नेक्स्ट है हमारे पास पी फोर अगेन थ्री माइनस ये क्या है ये इस पे ठीक है, ये साथ में इसकी है सकते लेकिन हमें सिर्फ एटम्स काउंट करने हैं पी स्टैंड फॉर फर्स्ट उसका एक एटम है हमारे पास देन वी हैव ओ फोर ऑक्सीजन के चार एटम्स है वन प्लस फोर एज फाइव और टोटल ऑफ फाइव एटम्स ठीक है जी नेक्स्ट है हमारे पास फोर्थ मतलब नेक्स्ट अब जहां पे क्वेश्चंस होंगे वो वाले स्टार्ट होंगे सो कैलकुलेट द का आपको मॉलिक्यूलर मास निकालना स्टार्ट करते हैं सबसे पहले है एच टू बहुत सिंपल है हाइड्रोजन हाइड्रोजन का एटॉमिक मास क्या होता है वन सो दो है मतलब वन प्लस वन विच विल बी टू यू ठीक है नेक्स्ट है हमारे पास O2 अगेन ऑक्सीजन के दो एटम एक एक एटम का एटॉमिक मास क्या होता है O हो का 16 तो 16 16 हो जाएगा 16 16 32 ठीक है जी नेक्स्ट है Cl2 अब क्लोरीन का एटॉमिक मास हमारे पास क्या होता है 35.5 दो हैं तो प्लस 35.5 आल्सो इनटू टू भी कर सकते हो आप एक ही बात है 5 5 10 हो जाएगा 5 5 10 11 1 1, 3, 3, 6, okay, जी. Next है हमारे पास सी ओ टू अगेन कार्बन का मैं तो ताकि मिस ना कर दे हम कार्बन का होता है ट्वेल्व मास ऑक्सीजन का होता है सिक्सटीन दो बार है सिक्सटीन प्लस सिक्सटीन या सिक्सटीन इंटू टू कर लेना सो so, ये हो जाएगा सिक्सटीन थर्टी टू प्लस टूवेल्व यहाँ पे कर लेती हूँ मैं थर्टी टू प्लस टूल फोर थ्री वन फोर्टी फोर आ गया यहाँ 4 आगे इसका मॉलिक्यूलर मास नेक्स्ट है हमारे पास CH4 सो so CH4 C अगेन कार्बन 12 है H4 हाइड्रोजन है सो so 4 into 1 कर दो या 1 प्लस, चार बार प्लस कर दे ये की बात है सो so 12 31 15 16 सो so ये हो गया 16 u नेक्स्ट है हमारे पास ये हो गया C2H2 नाउ अगेन कार्बन के दो हैं मतलब 12 into 2 प्लस हाइड्रोजन के दो है मतलब टू इंटू वन सो येगा ट्वेंटी फोर प्लस टू ट्वेंटी हमारे पास एन एच थ्री तो एन एच थ्री के लिए नाइट्रोजन का होता है फोर्टीन प्लस एच थ्री थ्री टाइम्स वन एक थ्री हो जाएगा इसलिए मैं प्लस कर रही हूँ कहीं आप सोचो मल्टीप्लाई है तो so नेक्स्ट है हमारे पास सी एच थ्री ओ एच ऑक्सीजन का मतलब सिक्सटीन प्लस H फिर से हाइड्रोजन का मतलब वन अब प्लस कर लो 12 थ्री वन सा थ्री हो जाएगा ट्वेल्व थर्टीन फोर्टीन फिफ्टीन सिक्सटीन सिक्सटीन प्लस सिक्सटीन थर्टी टू यू ठीक है तो सी एच सी ओ एच का हो गया थर्टी टू यू इन सब के हमने निकाल दिए मॉलिक्यूलर मास अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे अब यहाँ पे ये क्लियर है आपको अगर आपको एटॉमिक मास याद होंगे सिर्फ वो छोटा सा टेबल है उसके एटॉमिक मास याद हो जाएंगे तो आप आराम से मॉलिक्यूलर मास निकाल सकते हो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं क्वेश्चन नंबर टू कैलकुलेट द फॉर्मुला यूनिट मास ऑफ अगेन देखो फॉर्मुला यूनिट मास भी सेम जैसे हमने मॉलिक्यूलर मास निकाला है वैसे ही निकालना है बस इसमें डिफरेंस ये है जैसे यहाँ पे है ZnO आल्सो आप देखोगे इसमें हमें एटॉमिक मासेस भी दे रखे हैं तो Zn हमारा होता है जिंक तो जिंक का एटॉमिक मास दे रखा है 65 प्लस ऑक्सीजन होता है 16 वैसे तो यहाँ पे दे भी रखा है बट आपको पता ही होना चाहिए तो देन 5 10 11 हो जाएगा 11678 ये हो गया 81 नेक्स्ट है हमारे पास ये हो गया Na2O

ठीक है जी ये हो गया हमारा एन टू इसको हटा देते हैं नेक्स्ट है हमारे पास के टू सी ओ थ्री सो के हमारा होता है पोटेशियम पोटेशियम का गेन दे रखा है थर्टी नाइन लेकिन इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा टू से क्योंकि दो है पोटेशियम के एटम प्लस सी कार्बन ट्वेल्व प्लस ऑक्सीजन के थ्री मतलब थ्री इन टू ठीक है जी अभी देख लो यहां पे मल्टीप्लाई कर दो दोनों अगेन सेवन एट नाइन टेन इलेवन टर्टीन सो वी है ये अच्छा ये लास्ट की था तो ये तीनों हो गए एक का एटी वन यू 138

जो मास होता है वो 12 यू होता है मतलब वन मोल 12 ग्राम के इक्वल है अब वो कह रहे हैं व्हाट इज दी मास ऑफ वन एटम एक एटम का पूछा है वन मोल में कितने एटम्स होते हैं 6.022 10 रे टू दी पावर 23 दिस मींस के इतने एटम्स इक्वल्स है 12 ग्राम के हमें बताना है वन एटम कितने ग्राम्स का होगा ठीक है सेम उसी तरह करा के दियो मैं

ठीक है फर्दर आई थिंक ये कट होगा फर्दर ये कट नहीं होगा सो हमें डिविजन करना पड़ेगा ऑल्सो अब देखो आपको वैसे डिवाइड करना है को 6 से, ठीक है, to make it simple, calculation simple करने के लिए लेट्स सपोज मैंने यहाँ से कट ऐसी तीन जीरो पे तीन जीरो आ जाएगी सो वन टू थ्री जीरो हम इस तरह से डिवाइड कर सकते हैं कि थ्री जीरो वन वन को हमें डिवाइड करना है सिक्स जीरो 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 से

थ्री इंटू सेवन हमारा होता है ट्वेंटी वन अच्छा यहाँ ट्वेंटी नाइन है थ्री इंटू नाइन भी करेंगे तो हमारा नाइन थ्री जी ट्वेंटी सेवन होता है अब टेंथ तो ऑब्वियसली नहीं जाएगा सो so, क्योंकि वो थ्री जीरो वन वन जीरो हो जाएगा बड़ा हो जाएगा तो हमें इसको नाइन से करना पड़ेगा मल्टीप्लाई करते हैं थ्री जीरो वन वन को अगर मैं नाइन सिंपल डिवीजन कर रही हूँ मैं नाइन वन जर नाइन नाइन वन जर नाइन नाइन जीरो से जीरो नाइन थ्री जो ट्वेंटी सेवन तो 2, 7, 0, 9, 9, 10 -9 is 1, ये आ गया टू सेवन जीरो नाइन नाइन टेन माइनस नाइन इज वन ये बच गया एटीन एटीन में से नाइन गया नाइन आ जाएगा ये बचा सेवन नाइन माइनस सेवन इज टू अगेन यहाँ पे डेसिमल लगाना पड़ेगा फिर अभी हमने किया था 27099 इससे छोटा यही आएगा फिर से 9 से करेंगे 2709 फर्दर इसको करने की जरूरत नहीं है क्योंकि ऐसे ही चलता रहेगा सो so हम सिंपल यहाँ लिख सकते हैं इसको कट करने के बाद हमारे पास आया है 1.99 अपॉन में है 10 रे टू दी पावर 23 अगर इसको हमें ऊपर लिखना है तो हम इसको लिख सकते हैं 1.99 टेन रेस टू दी पावर माइनस ट्वेंटी थ्री अब ये तो सिंपल मैथ्स ही आपको पता ही होगा अगर नीचे आपके पास कुछ पावर है उसको अगर आप ऊपर लेके आओगे मतलब से से या या तो तो डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर में में लेके लेके जा रहे या denominator से numerator में ले आ रहे हो तो हो आ उसकी जो पावर है वो नेगेटिव हो जाएगी ठीक है ना सो so ये था हमारा क्वेश्चन नंबर वन लास्ट वाले का नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं दिस इज लास्ट क्वेश्चन विच हैज मोर नंबर ऑफ एटम्स किसमें नंबर ऑफ एटम ज्यादा है हंड्रेड ग्राम ऑफ सोडियम या हंड्रेड ग्राम ऑफ आयरन तो पहले हमें हंड्रेड ग्राम ऑफ सोडियम में निकालना पड़ेगा नंबर ऑफ आइटम्स एनए की बात हो रही है अगर हम बात करें, देखो, क्या, का क्या होता है ट्वेंटी थ्री क्वेश्चन में गिवन भी है ट्वेंटी थ्री यू होता है इसका एटॉमिक मास विच मीन्स वन मोल हमारा एन ए का किसके इक्वल होगा ट्वेंटी थ्री ग्राम ठीक है जी तो अगर वन मोल में ट्वेंटी थ्री ग्राम्स है और यहाँ पे हमें कितने ग्राम्स का चाहिए ऑल्सो यहाँ पे हमें पावर ट्वेंटी थ्री कर दिया हमने एंड इज इक्वल टू ट्वेंटी थ्री ग्राम ठीक है जी ट्वेंटी थ्री ग्राम्स का हमें पता है कितने एटम्स होते हैं हमें चाहिए हंड्रेड ग्राम्स में कितने होंगे? यही निकालना है हमें तो ये हो जाएगा 6.022 सिक्स अगेन कैलकुलेशन करनी है हंड्रेड वहां चला जाएगा ये हो गया सिक्स पॉइंट जीरो टू टू इन टेन रेस टू दी पावर ट्वेंटी थ्री इन हंड्रेड अपॉन में हमारे पास आ जाएगा ट्वेंटी थ्री एंड ये इक्वल होगा एक्स के अब यहाँ पे हम चीज कर सकते हैं दो जीरो सॉल्व कर तो करना पड़ेगा सो तो यहाँ डिविजन कर लेते हैं ट्वेंटी थ्री ये हो गया सिक्स जीरो टू पॉइंट टू ठीक है ट्वेंटी थ्री के टेबल में देखते हैं जरा पूरा यहाँ पे मैथ्स करनी पड़ेगी हमें डिविजन करना है सो तो थ्री से करते हैं थ्री थ्री नाइन थ्री टू जिक्स बड़ा हो गया तो अब इसको करते हैं ट्वेंटी थ्री को टू से करते हैं थ्री टू जिक्स टू टू तो ट्वेंटी थ्री इंटू टू किया तो हमारे पास आया फोर्टी सिक्स टू नीचे आ गया ये हो जाएगा टेन माइनस सिक्स इज फोर एंड यहाँ पे हमारे पास हो जाएगा दिस इज फाइव माइनस फोर इज वन वन फोर्टी टू आ गया अब अगेन ट्वेंटी थ्री इंटू फाइव कर लेते हैं फाइव थ्री 15, 5 10, 11, आगे भी जा सकते 12, 13, अब 14, 15, 16, ये बड़ा हो गया मतलब सिक्स पे लेंगे तो ये हो गया ट्वेंटी ट्वेंटी थ्री इन टू सिक्स इज वन थर्टी यहाँ पे जब आप टू नीचे उतारोगे यहाँ पॉइंट लग जाएगा अभी हो गया एट नाइन टेन इलेवन ये फोर हो गया ये हमारा हो गया फोर्टी टू ही बचा सो फोर्टी टू हमारा नहीं आता अगेन से करेंगे कर तो हमारे पास आ जाएगा ट्वेंटी थ्री अभी हो जाएगा ट्वेल्व माइनस थ्री नाइन और यहाँ पे बचा हमारे पास थ्री थ्री माइनस नाइनटीन हो गया डेसिमल हमारे पास है ही तो इसको वन नाइनटी बना सकते हैं वन नाइनटी छोटा एक बार एट से भी कर लेते हैं 8 visa 24 82617 18 184 ही हो जाएगा सो so, इसको 8 से किया तो ये आ गया 184 अभी के लिए इसको बस यहीं पे छोड़ देते हैं आगे जरूरत लगेगी तो कर लेंगे सो so, x हमारा आ गया यहाँ पे हमने माइनस किया इसको तो 26.11 10 रे टू द पावर 23 अप्रॉक्स है बट इतने एटम्स होंगे 100 ग्राम्स ऑफ कितना था सोडियम अब इसी में ही सेम चीज हमें करनी है एफ मतलब आयरन की बात हो रही है सो अगेन हंड्रेड ग्राम ही दे रखा है अब देखो आयरन हमारा होता है इसका यू कितना होता है एटोमिक मास होता है 56 यू आल्सो क्वेश्चन में हमें ये चीज गिवन भी है तो जी यहाँ से मैं बोल सकती हूँ कि वन मोल हमारा इक्वल हो गया 56 ग्राम्स की वन मोल का मतलब क्या है जब आप सो अगर आपको ये कंफ्यूजन है ना कि मैम कभी मोल के लिए डायरेक्ट मोल से निकाल देती है कभी मैम यहाँ पे इसके एटम्स देते है, हैं सिंपल सी चीज आपको निकालना क्या है अभी हमें एटम्स निकालना है तो मैं मोल के एटम्स लिख लेती हूँ सो so, ये हो गया इन टू टेन डेज टू दी ट्वेंटी थ्री इक्वल्स टू फिफ्टी सिक्स सो ये हमारा हो जाएगा सिक्स पॉइंट जीरो अच्छा यहाँ पे इतना तो हो गया 6.022 मतलब 56 ग्राम में इतने एटम्स है हमें बताना है 100 ग्राम में कितने एटम्स होंगे फिर से वही ऐसे ही आ गए 6.022 10 रे टू द पावर 23 अपॉन में x इक्वल्स टू 56 अपॉन 100 ठीक है जी सो so ये हमारा हो जाएगा 6.022 10 रे टू द पावर 23 एक पे होगा ट्वेंटी ये हमारा हो जाएगा थ्री पॉइंट जीरो चाहो तो यहाँ ट्वेंटी एट और इसको कट भी कर सकते ये तो क्योंकि आगे कट होगा नहीं या हम सिंपल इसको कर देते हैं थ्री यहाँ पे दो डेसिमल आगे कर रही हूँ यहाँ पे हम इस ट्वेंटी एट को डिवाइड कर लेते ट्वेंटी एट को डिवाइड करना है थ्री जीरो तो पे स्टार्ट करते हैं जैसे हमने ट्वेंटी थ्री से किया था ट्वेंटी एट से कर देंगे तूसर 16, तूसर 4, 5. फिफ्टी सिक्स आ गया ये तो देखो बड़ा ही आएगा या तो हम डायरेक्ट ट्वेंटी एट ही ले सकते हैं पे तो सो इसको किया ये हमारे पास आ ट्वेंटी एट वन से करा ट्वेंटी एट आ गया ये हमारे पास आ गया वन टेन में से एट गया टू सो ट्वेंटी वन हो गया हमारे पास ट्वेंटी वन से तो नहीं हो सकता जीरो से करना पड़ेगा ये हो गया जीरो टू वन यहाँ से उतारेंगे यहाँ पे डेसिमल आ जाएगा सो so अब इसको किस से देखें? इसको तो से से करके करके पहले तो देखते हैं forty, fourteen, से करते हैं से करेंगे तो forty, eight, 12, 13, 14, 16, और आगे कर सकते हैं ट्वेंटी एट को सेवन से कर लेते हैं सेवन एट सॉरी

ठीक है जी सो so, ये थे हमारे इन बिटवीन क्वेश्चंस यहाँ पे हमारे क्वेश्चन जो बीच के क्वेश्चन थे वो तो कंप्लीट होते हैं अब हम आएंगे अपने जो बैक एक्सरसाइज है मेन एक्सरसाइज है उनके क्वेश्चन पे आते हैं मेन एक्सरसाइज का मतलब ये नहीं है कि ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट नहीं थे ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे लेकिन अब हम अपनी बैक एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे बट इन द न्यू वीडियो सो आई सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो टेक केयर यून बाय